नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय सिंह चौहान। देखिए, पुलवामा में जो अटैक हुआ आज उसकी पहली वर्षगांठ है। पहले तो मैं उन शहीदों के परिवार को बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूं। अपने संगठनों की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और सरकार से भी अनुरोध करता हूं, राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से, कि उन बेचारों के परिवारों का ध्यान दें। आज वैलेंटाइन डे भी है, पाश्चात्य संस्कृति का वैलेंटाइन। एक बंदा था, उसने प्रेम के नाम पे, अब आजकल ये मैं अब ज़्यादा क्या बोलूँ, खैर, तो वैलेंटाइन डे को भूल के, और आज सरदार भगत सिंह को फांसी नहीं हुई थी, आज डिसीजन हुआ था, उसको भी याद रखें। पुलवामा के अटैक में जो बंदे मारे गए उसको याद रखें, और वैलेंटाइन डे को भूलें। प्रेम ठीक है, प्रेम बहुत सर्वोच्च चीज़ है, लेकिन उसको गंदा रूप में जो अर्पित किया गया है लोगों के माध्यम से, उसे इस तरीके से ना करें। शहीद परिवारों के लिए सभी मेरे संगठनों की तरफ से, और मैं सभी देशवासियों से भी अपील करता हूं कि देशभक्ति की भावना के साथ इसको राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया जाए। 40 बंदे आज शहीद हो गए थे, तो मैं उन सभी शहीद परिवारों को अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, अपनी सहानुभूति व्यक्त करता हूं, और सभी देशवासियों से और सरकार से भी अपील करता हूं कि पूरा देश भक्ति के साथ इस दिन को मनाएं और उन परिवारों के लिए जितना जिससे जो हो सकता है वो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। जेके न्यूज की और ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें हमारे साथ, देखते रहें जेके न्यूज।